कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कैन एंगल यू सी राइटली, कैन यू सी इट क्लियरली, इज इट फाइन, वेरी गुड, चलो लुक स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो आपकी इस चैप्टर में यूज होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स यूज होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट में आपके पास इंटीरियर भी यूज होते हैं और एक्सटीरियर भी यूज होते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एक आपके एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, साइलेंट ऑल ऑफ यू। सेवन सी, बहुत नॉइज आ रही है बच्चे, जल्दी से सेटल हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू दिस एंगल, कैन यू सी कैसी एंगल है ये? दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल, और ये टू एंगल्स आपके ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं, कैन यू सी, ठीक है। जो एक ही साइड पे होते हैं और एक बार अंदर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छे से पहचान लो, फिर हम क्वेश्चंस में भी हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। फिर आपने वहां भी आपने देखना है। अच्छा, दूसरी टाइप की है, सी दिस, दूसरी टाइप के जो एंगल्स हैं आपको दिख रहे सबको, एस, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल, एक एंगल इस साइड पे है और एक एंगल इस साइड पे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट क्यों है? क्योंकि इस साइड, ठीक है, और दोनों अंदर है इसके, ठीक है, इसके अंदर है, इसलिए उनको हम बोलेंगे इंटीरियर, ठीक है। और ये हमारे पास एक और एंगल है, अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाली पार्ट में तो कोई भी एंगल नहीं है, ये दो पैरेलल लाइंस जो इनकी अंदर तो कोई भी एंगल नहीं है, यहाँ भी बाहर है और यहाँ भी बाहर है, और दोनों ही एक अलग अलग साइड पे है दोनों, तो ये कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर, ओके, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। उसके बाद कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए थे, या कैन यू सी लीनियर पेयर क्यों है? एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे है, और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है बेटे? स्ट्रेट लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर टू एंगल्स बने हुए हैं, इसलिए उनको लीनियर पेयर बोला गया है। सेवन सी, बी सेटल डाउन फास्ट, ओके, एंगल्स आर दीज, तो इनको भी हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। 7C को, 7 ये बेटा, इसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, यस और नो? नो, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। टू एंगल्स तो इसमें भी बन रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं बन रहे हैं, एक उसकी आर्म यहाँ पे जा रही है, एक इस साइड पे जा रही है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं होंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। आपको याद है कल हमने क्वेश्चंस में ऐसे वाले क्वेश्चंस किए थे बेटे?
स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी तो वो एडजेसेंट एंगल्स आ रहे थे। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर, अभी आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से एंगल की शेप कैसी होती है और उसका नेम क्या होता है। ओके और किसी को अगर देखना होगा अपनी पहचान के लिए एक बार दोबारा मेरे को पूछ लेना, मैं आपको दिखा दूंगी। इट इज लाइंग विद मी ओनली। ठीक है बेटे, अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे, क्वेश्चंस में आपको डायग्राम में पहचान करनी है उनकी। फाइन, तो हमारे पास लीनियर पेयर भी हो गया और एडजेसेंट एंगल्स भी हो गया। यही तो आपके बेटा 5 एंगल्स है जो बार बार आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, एंड वन वन थिंग मोर कि आपकी जो 2 लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्सल होता है, तो अंदर वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं ये वाले, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो क्या ये ऑल्टरनेट है? ना तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना वो ऑल्टरनेट है, वो इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, प्लीज रिमेम्बर। इंटीरियर जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये भी प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है। इज इट क्लियर? इस पूरे चैप्टर में क्या क्या यूज हो रहा है, आई एम रिवाइजिंग इट वंस, ताकि जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपने मेरे को करवाने हैं, मैंने नहीं आपको करवाने आज। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सबको पहचान होगी कैसी होती है वो। दूसरी है ऑल्टरनेट इंटीरियर, वो भी पहचान होगी। तीसरी है ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी हो गया सबको पहचान। फोर्थ इज लीनियर पेयर, वो भी सबको पहचान होगी है कि स्ट्रेट लाइन जब तक नहीं बनेगी वो लीनियर पेयर नहीं बन सकते। फिफ्थ थिंग इज और एडजेसेंट एंगल्स, कि एडजेसेंट एंगल्स में भी 2 एंगल इकट्ठे होते हैं लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं बनते। ठीक है बेटे, लेकिन हो सकता है अभी जैसे ये लीनियर पेयर है, सी दिस, ये जो 2 एंगल्स हैं लीनियर पेयर और ये, मैं मैं लीनियर 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 पेयर को एडजस्ट बोल सकती हूँ लेकिन एडजेसेंट को लीनियर पेयर नहीं बोल सकती। इज इट क्लियर? मैम। या वाई? बिकॉज अभी देखो ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं आपके सामने हैं, इनकी एक कॉमन आर्म है, ये वाली कॉमन साइड है दोनों एंगल्स की, इस एंगल की भी ये कॉमन है और इसकी भी ये है, दोनों की कॉमन एक साइड है। ठीक है, ये हो गए एडजेसेंट एंगल जो बिल्कुल अपने पास पास है। ओके, अभी पास पास एंगल्स, तो तो इसका मतलब इसका एडजेसेंट बोल सकती हूँ, इसमें भी 2 एंगल्स हैं उनकी सेम साइड है, एक कॉमन साइड है, तो इसको भी मैं एडजेसेंट बोल सकती हूँ। इसका लीनियर, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर पेयर को एडजेसेंट बोल सकते हैं बट एडजेसेंट को लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। डू यू एग्री विद दिस? रेज योर हैंड, हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड, प्लीज रिमेम्बर। ठीक है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ओके, ये आपकी चीज होगी एडजेसेंट। सिक्स थिंग आपने क्या बताई है कि सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कौन से एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? ऐसे वाले एंगल्स का। इंटीरियर या ये आपके पूरे चैप्टर की समरी है बेटा, लिखना है तो लिख लो इसको, पूरे चैप्टर में बस यही यूज हो रहा है आपका, बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको एंगल्स की पहचान करनी है। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज समरी ऑफ द चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 9th क्लास में भी है, 9th क्लास के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको डाउट हो जाता है कि अरे ये ऑल्टरनेट है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग है, लीनियर है या एडजेसेंट है, कंफ्यूजन हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इनकी पहचान है तो इसका मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, किन का सम? इंटीरियर एंगल्स का सम। इंटीरियर एंगल कैसे वाले? ना तो वो कभी सेम साइड वो कभी तो एट द सेम साइड। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें चैप्टर में आपने पढ़ी है, नोट करते जाओ फटाफट। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़ी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी आपका यूज होता है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखने में बहुत इजी होते हैं और इसमें काफी बच्चे रिप्लाई भी कर देते हैं, सिर्फ अपोजिट एंगल्स आमने सामने वाले, ठीक है, आमने सामने वाले ये बड़े वाले भी हो सकते हैं और छोटे वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इनको बोलते हैं, जो आप सीजर्स जब कैंची खोलते हो तो कैंची में क्रॉस बनता है, ठीक है, तो क्रॉस में आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। एट थिक पॉइंट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो आपने वर्ड यूज किया था यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिसमें एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। बस ये सारे पॉइंट्स आपके पूरे चैप्टर में यूज हो रहे हैं जो आपने याद रखने हैं। इनमें से किसी को भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। यस या पूछो पूछो। एडजेसेंट बेटा प्लीज रिपीट, मेरे को सुना नहीं आप क्या बोल रहे हो। डाउट इन एडजेस, डाउट इन एडजेस्ट ओके ठीक है, नोट डाउन कर लो फिर बताती हूँ आपको। एडजेसेंट एंगल्स में डाउट है, अगर किसी एक बच्चे ने डाउट पूछा है तो वो काफी का डाउट होगा, मेरे को पता है काफी बच्चों को डाउट होगा कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सपोज सपोज होते हमारे पास ये 2 रेज हैं और अंदर से और रे जा रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे वो एडजेसेंट बनेंगे, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जिनकी कि एक रे होती है, एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में एक कॉमन रे है आपको दिख रहा होगा, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल अपने साथ जुड़े हुए, जुड़े हुए कब होंगे, जब उनके बीच में एक लाइन कॉमन होगी, ठीक है बेटे। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि एंगल जो है वो ये वाला बन रहा है और एंगल 2 जो है वो ये वाला बन रहा है, तो आपको दिख रहा है वो एक रे कॉमन है दोनों में, बड़े क्लियरली दिख रहा होगा, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। लीनियर पेयर को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं और इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर में कंपल्सरी है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एडजेसेंट में कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, स्ट्रेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। डाउट इज क्लियर, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज एक्सप्लेन कॉन्करेंट एंगल, विच वन, कॉन्ग्रुएंट कॉन्करेंट एंगल। एंगल्स, ओके, एक आपने नया नाम पढ़ा था इसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इफ योर बोर्ड इज विजिबल तो मैं यहाँ पे 10 नंबर लिख देती हूँ, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का वैसे तो टॉपिक आप बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, पर अभी मैं आपको जस्ट इसका शॉर्टकट ये बता देती हूँ कि 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से होते हैं। अगर ये कोई एंगल मेरे पास 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री है, और एक और एंगल मैंने 30 डिग्री का बना लिया, इसका मतलब है कि एक एंगल दूसरे एंगल के ऊपर हम रख सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल के ऊपर ही आएगा, आप आपको एक्स्ट्रा तो नहीं दिख कुछ,
कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलते हैं, जिनका मेजरमेंट सेम होता है. इज इट क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? यस. 45 डिग्री है तो उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल 45 डिग्री ही होगा, 60 डिग्री है तो उसका 60 डिग्री होगा, 90 है तो उसका 90 होगा, कोई और हो ही नहीं सकता. ठीक है बेटे, सिर्फ अभी आपने यही समझना है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का मतलब इक्वल एंगल्स, जिनका मेजरमेंट इक्वल है. एनी डाउट इन दीज ऑल पॉइंट्स? आप ये फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं आपको फुल टाइम दे रही हूँ बेटा, आई एम नॉट रशिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. आपने अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में, जहां भी आप लिख रहे हो, प्लीज नोट डाउन दीज ऑल पॉइंट्स. और क्लैरिटी होनी चाहिए, शेप्स मैंने एरो करके बना दी है यहाँ पे कि कैसी कैसी शेप्स होती हैं, तो आपको ये भी पहचान हो जाएगी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है. ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा, मैम प्लीज ज्वाइन 7th एफ सेक्शन. सेवेंथ है. ओके ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन. बेटे कल हमारा फोर्थ क्वेश्चन चल रहा था, फोर्थ क्वेश्चन का आई थिंक हमने एक पार्ट किया था, इसका मैम यस. वन पार्ट किया था, तो आंसर इसका यस आ रहा था या नो? मैम नो. नो आ रहा था. अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे. बेटे शैल आई क्लीन इट, बोर्ड क्लीन कर दो, सबने नोट कर लिया? यस. ओके चलो मैं वेट करती हूँ 2 मिनट्स के लिए, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन, जिन बच्चों ने कर लिया सेकंड क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करो. क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, सेकंड पार्ट की फिगर है. ये 2 लाइंस आपको दी हुई हैं, एल और एम, और यहाँ पे एक लाइन आ रही है टी. ठीक है, इसका डिग्री 30 डिग्री, ये 145 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 35 डिग्री. क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि फाइंड वेदर एल इज पैरेलल टू एम. हमने ये चेक करना है कि एल एम के पैरेलल है कि नहीं. मैंने जब आपको कल क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था कि लाइंस 2 पैरेलल कब होती हैं, या तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या फिर उनका सम 180 डिग्री हो इंटीरियर एंगल्स का. एक्सक्यूज मी मैम. यस आई हैव डाउट इन 5th क्वेश्चन. 5th कौन सा एमसीक्यूज. एमसीक्यू? 5th क्वेश्चन जो पहले हमने किया था, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, बॉक्स बॉक्स में जो 5th क्वेश्चन है बेटा. मैम नो. हाँ, मैम जो मैम अभी किया है 5th. 5th तो अभी हमने किया ही नहीं है बेटे, अभी तो हम 4th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 4th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 5th क्वेश्चन तक हम अभी पहुंचे ही नहीं है बेटा. ओके फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मैंने कल आपको बताया था कि एल एम के पैरेलल कब होगा, जब हमारे पास इनमें से कोई एक कंडीशन लग जाए. अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तब भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, या फिर आपके सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है तब भी आप बोल दोगे कि ये लाइंस पैरेलल है. ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल्स इक्वल करोगे. अब मेरे को जो लग रहा है, सामने सामने जो दिख रहा है, हमें लाइंस तो पैरेलल है नहीं है यहाँ पे, वो तो हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये हम 35 डिग्री बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री है. कौन से एंगल्स बन रहे हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री आ सकते हैं, यस और नो? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है, अभी मुझे एंगल 1 पता चल गया है 35 डिग्री है, तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके चेक कर लूं कि अगर उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो मेरे पास ये कंडीशन लग जाएगी कि सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और मैं बोल दूंगी कि लाइंस आर पैरेलल. बोल सकते हैं कि नहीं?
यस, सो वी हैव टू चेक इट। 35 डिग्री, यहाँ पे लिखो 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री, तो कितना आता है बेटे? वाला है। मैं 180 डिग्री आंसर। 180 डिग्री, यस। तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फोर एल इज पैरेलल टू एम। एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो हम इसको लाइंस पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो टू लाइंस पैरेलल करने के लिए या तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं, इसको सर्कल कर लो, या हमने ऑल्टरनेट एंगल्स बताने हैं, या हमने सम ऑफ इज इक्वल टू 180 डिग्री बताना है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर आपकी प्रूव हो जाएगी तो आप बोलोगे कि लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। मैंने सर्कल कर दी है जो तीन कंडीशंस आपको चाहिए, कोई एक इनमें से, तीनों में से कोई एक। इज इट क्लियर? तो हमारी सेकंड पार्ट में लाइंस पैरेलल हो गई हैं, एल इज पैरेलल टू एम, यू कैन राइट डाउन। चलो अभी एक थर्ड वाला देखते हैं। आई एम गोइंग टू रैप। बेटा अब तो आपने बहुत कुछ समझ लिया, इसमें से क्लीन कर दो इसको। यस गुड। चलो नेक्स्ट वाले की फिगर बनाओ, थर्ड वाली फिगर आप बनाओ, आप ही बताओ आप मेरे को इसका कि तीनों में से कौन सी एक कंडीशन लग रही है ताकि लाइंस पैरेलल हो जाएं। अगर तीनों में से कोई भी नहीं लग रही है तो लाइंस पैरेलल नहीं होएंगी, वी से नो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, चलो डायग्राम ड्रॉ करो इसका। थर्ड वाला, जो जो एंगल हमें गिवन है उसको हमने यूज करना है पहले। थर्ड पार्ट डायग्राम इज एल पैरेलल टू एम, दिस इज लाइन टी, ठीक है, एंड दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री गिवन, एंड दिस इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है, ये उल्टे पुल्टे एंगल्स ये हो या आपको खुद ढूंढना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढनी है, ऑल्टरनेट ढूंढना है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री ढूंढना है। ठीक है, अपने आप थोड़ी स्मार्टनेस से आपने बताना है। अब यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 125 है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग तो बता ही नहीं सकते, ऑल्टरनेट भी नहीं बता सकते क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। हम क्या बता सकते हैं? वर्टिकल ये बोल बता सकते हैं कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू 125। वर्टिकली अपोजिट तो बताना इजी है ना, उसके लिए तो लाइंस पैरेलल की जरूरत नहीं है ना हमें। यस और नो? यस। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 125 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कल मैंने आपको बताया था कोई भी विदाउट रीजन आप स्टेप नहीं लिखोगे क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं आपको रीजन लिखने के। 1 इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं कि 1 इज इक्वल टू 125 प्लस 60 किसके इक्वल है। अगर ये 180 आया तो हम बोलेंगे यस लाइंस आर पैरेलल। तो जल्दी से इसको चेक कर लो। दिस आर नॉट पैरेलल क्योंकि ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि नॉट पैरेलल का ये साइन होता है, पैरेलल लिख के उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, अब आपको इजी लग रहे क्वेश्चन? प्रॉपर्टीज लर्न हो गई है सारी। ठीक है, अभी मैं फिफ्थ क्वेश्चन करने वाली हूँ जो वो स्टूडेंट पूछ रहा था, थोड़ा एडवांस में चल रहा था वो। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी आपको, लेकिन मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि अब आपको समझ होगी कि ऑल्टरनेट कौन से होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं। ठीक है, चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करो, इट शुड बी वेरी नीट बेटा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना है और थोड़े से बड़े बड़े लेटर्स लिखने हैं उसमें। ठीक है, तभी आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका डायग्राम है।
कोशिश करना इनको लाइंस बेटा पैरेलल होनी चाहिए, जो जो लाइन हम सामने बना रहे हैं ना उनको पैरेलल की शेप में ही ड्रॉ करना है, क्योंकि वो उसको आपने यूज करना है। ठीक है, राइट डाउन, थोड़े से बड़े लेटर्स लिखने हैं, ए ओ सी टी ठीक देन डी बी। ठीक है, और यहां पे आपका एंगल बन रहा है 50 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री गिवन, ए की एंगल गिवन है, ए ओ बी 50 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है एंगल ई सी डी, ई सी डी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसको मार्क कर लो। और बेटा इसमें जो ऑप्शंस दी हुई है ना, जो डी ऑप्शन है उसको 130 डिग्री कर लो, वहां पे 13 लिखा हुआ है, वहां पे लिख लो वहां पे वन लिख लूंगा वन थ्री 130 जीरो डी ऑप्शन में। ठीक है बेटे, डी ऑप्शन 130 कर लो। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपका बेटा जो गिवन एंगल होता है ना उसको वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमेशा। वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल दी हुई है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, और आपको दिखने में भी बहुत अच्छे से भी दिख बहुत अच्छे से दिख। इसके पैरेलल लाइन। आर यू एबल टू सी? या आस्किंग प्रीत फ्रॉम सेक्शन सी, प्रीत आगे आ जाओ, आर यू प्रेजेंट प्रीत फ्रॉम सेवन सी? या आगे आ जाओ, शाबाश। तो आपने मेरे को ये बताना है कि जो गिवन एंगल है 50 डिग्री उसको मैं कौन से एंगल के इक्वल कर सकती हूँ? कोई आपको एंगल दिख रहा है, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इसके या फिर कोई अल्टरनेट इसके जो बराबर कर सकूं मैं पैरेलल लाइंस के साथ? आपको दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, दिख रहे हैं आपको? कोई और बच्चा जिसको पता चल रहा हो? मैम यस, सी सी डी डी बी, ये वाला एंगल, एंगल वन, ये कौन सा डिग्री होगा? 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे इसका? एक्सेलेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यू कैन राइट एंगल वन इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, वन इज इक्वल टू 50 है तो अब तो इन दोनों के बारे में, एंगल वन और ये वाला एंगल ई सी डी कौन सा बन रहा है, इनकी प्रॉपर्टी क्या लगेगी इन दोनों का? अगर लाइंस पैरेलल है पैरेलल तो दोनों ही एंगल किस टाइप के बन रहे हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। वेरी नाइस, आई वांटेड टू हियर दिस ओनली, एंगल वन प्लस एंगल ई सी डी जो हमें पूछा गया था इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन लिखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है कि दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको बहुत अच्छे से पहचान आनी शुरू हो गई है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रही है पहचान वो अपना डायग्राम ठीक करेंगे। अगर आपकी डायग्राम अच्छी बनी हुई है, बड़ी बनी हुई है, सारे एंगल क्लियरली दिख रहे हैं तो आपको एंगल्स भी दिखेंगे। ठीक है, कैन वी फाइंड एंगल ई सी डी फ्रॉम हियर, क्योंकि हमें एंगल वन तो पता ही है, तो एंगल ई सी डी 130 एंड वी विल माइनस 180 फ्रॉम 50, इट विल बी 130। 130, वेरी गुड, तो हमारी डी ऑप्शन आ रही है 130 डिग्री, तो हमारी ऑप्शन आ रही है डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज मैचिंग, यू कैन मार्क इट, आपने करेक्शन कर लिया था, 13 लिखा हुआ था, वहां पे 0 एक और लिख लो, तो आपकी डी ऑप्शन मैच करेगी 130 डिग्री। ठीक है बेटा, चलो
ऐसे वाले क्वेश्चन बेटे काफी आते हैं एग्जाम में ना, आपकी डायग्राम जैसी मर्जी लिखी हो, जैसी मर्जी आपकी डायग्राम हो, लुक फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लुक फॉर ऑल्टरनेट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ऐसे वाले डायग्राम्स में ये तीन एंगल्स को आपने बार बार देखना है कि कौन कैसा एंगल बन रहा है। और अगर आपको पूरा नाम नहीं लिखना वहां पे, आप जैसे एंगल वन भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, एक और एंगल है तो एंगल टू भी लिख सकते हो, फिर उसको एंगल थ्री भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा उसका नाम लिखना है, ई सी बी डी व्हाटएवर। ठीक है बेटे, चलो असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में फिर से आपका कंसेप्ट लगने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द लाइंस हैविंग डिफरेंट वर्टिसेस एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मैम फॉल्स वर्ड। पॉज, क्योंकि पहले वो इनर साइड की बात कर रहे हैं, इनर साइड का मतलब दोनों लाइंस के अंदर, अगर अंदर है तो उसको हम एक्सटीरियर एंगल कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते है ना, तो दिस विल बी फॉल्स। ओके, रीजन, व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन रिलेटिव टू टू लाइंस आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैन आई आंसर? यस, हम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। ट्रू। ठीक है बेटे, ये जो असर्शन रीजन के ना लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है कि हमारा मेन पॉइंट कहाँ कहाँ पे, जिस पे हमने फोकस करना है, तब आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ट्रू, ट्रू हमने कितनी बार की, कितनी अगर बार पैरेलल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग की इक्वल होंगे, दिस इज ट्रू। रीजन, इफ टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल एंड ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, दिस मैम ट्रू इज ऑल्सो ट्रू। ट्रू मैंने आपको बताया था कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है बेटे, तो ए ऑप्शन आएगी, सेकंड की ए ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ट्रू हैं, ठीक है, और दोनों आपस में मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ टू इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि अभी हम इंटीरियर एंगल्स पे फोकस करने वाले हैं। इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 5:4, इसका मतलब क्या है? ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में लग रहा है, तो चलो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। दे आर सेइंग कि इफ टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल दिस इज ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 5:4, टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो ये वाले हुए ना इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनको ही बोलते हो ना, ये एंगल्स है 5, फाइव देन द ग्रेटर एंगल ऑफ टू एंगल्स इज दिस 100 डिग्री। ये हमने चेक करना है कि ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री है, ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, अब आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं कि एंगल वन है, ये एंगल टू है, हमें दिया हुआ है कि एंगल वन रेशियो एंगल टू इज इक्वल टू 5:4 है, ये तो क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया, आपका क्वेश्चन परफॉर्म करना पड़ेगा, ओरल से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है, पहले तो ये फाइंड आउट करने का है कि एंगल वन कितना है और एंगल टू कितना है। किसी को याद है कि रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे करते हो? किसी भी चैप्टर में आपको सिंपल इक्वेशन में भी आए थे रेशियो वाले क्वेश्चंस। यस, किसने बताया, रेजो हैंड, किस किस को पता है 5x 4x करते हैं इनको, रेजो हैंड, जिस जिसको पता है, सो स्वीट, वेरी नाइस। अब आपको समझ आ गया कि हम इसको, कि एंगल वन को हम सपोज करेंगे 5x और एंगल टू को हम सपोज करेंगे 4x, इसको लेट करना पड़ेगा, लेट एंगल वन इज इक्वल टू 5x एंड एंगल टू इज इक्वल टू 4x, और हमें क्या पता है इन दोनों के बारे में, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो इन दोनों के बारे में हमें क्या कंडीशन पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। yes, it means कि 5x plus 4x is equal to 180 degree. हम खुद लिख पाएंगे इसको, क्योंकि ठीक
ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो और मेरे को बताओ कि ग्रेटर एंगल कौन सा होगा। ठीक है, मैं अभी नेम से बुलाऊंगी बेटा, सबने आंसर नहीं करना, जिनको आता है अपनी नोटबुक में करके रखो। आई विल कॉल द नेम्स। ठीक है, आपका मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री बाय 9, 20 डिग्री। ओके, अभी मेरे को आपने बताना है कि ग्रेटर एंगल कितने डिग्री का है। सिमरन फ्रॉम 7B, ग्रेटर एंगल कितने डिग्री का है। ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, 5x या 4x? यस यस बोलो, फाइव 5x। यस 5x, तो 5x निकालो, क्या वो 100 डिग्री आ रहा है? नहीं। यस, सो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ट्रू। ठीक है, ये तो सेशन में है क्वेश्चन, अदरवाइज आपको ऐसे फुल क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का। यू शुड नो हाउ टू डू। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा? आपने ऐसे सिंपल इक्वेशन में भी क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब आप देख रहे हो काफी क्वेश्चंस में आपकी सिंपल इक्वेशन भी यूज हो रही है बेटा। ओके, सो दिस इज ट्रू। रीजन इज, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये तो आप बहुत बार यूज कर चुके हो, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारी टू ये ऑप्शन आएगी, थर्ड के लिए हमारी ये ऑप्शन आएगी ए। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू थे। ठीक है बेटा, ठीक नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन बेटा, यही कंसेप्ट है। केस स्टडी का क्वेश्चन स्टडी का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें किया हुआ है। आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं भी इधर ड्रॉ करूंगी नीटली, ताकि हमारे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नोट डाउन, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करो, इसकी लेबलिंग भी थोड़े से बड़े बड़े लेटर। यस, और कोशिश करो कि आपकी पैरेलल लाइंस आए। ये है आपका डायग्राम ऐसे, फिर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। आपको गेस हो जाता बड़ी अच्छे से कि कौन सी लाइन मेरे को पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपकी यू है, दिस इज टी, पी, टी यू, यू दिस इज दिस एस एंड दिस इज आर। एक एक छोटा सा एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, यू नो, इसके ऊपर लिखा हुआ है एंगल ए। आप भी नोटबुक में लिखो, बहुत स्मार्ट डायग्राम है ये। ये छोटा सा एंगल बनाया हुआ है जिसको हमें ध्यान से देखना है, और ये बाहर वाला एंगल है बी, यहाँ पे बाहर वाला एंगल है डी। ओके, एंड दिस इज सी इज जो आपको गिवन है। ओके, ये आपका डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन है सी इज इक्वल टू 57 डिग्री। पहले हम गिवन लिख लें कि क्या क्या गिवन है। सी इज इक्वल टू 57 डिग्री हमें दिया हुआ है, एंड ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है। ठीक पहले तो हम मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो अपना यहाँ यहाँ आगे क्वेश्चन हम करते ही नहीं, पहले तो यहीं पे अपना डाउट क्लियर कर। ए एंगल आपको सी बाय थ्री दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि है। सी की जितनी भी वैल्यू है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 3। यहीं पे हम निकाल लेते हैं एंगल ए, ताकि हमारा इजी बन जाएगा क्वेश्चन आगे। एनी डाउट क्लियर, किसी को डाउट है यहाँ पे मैंने क्यों किया इसको डिवाइड? जिसको समझ आ गया रेज योर हैंड। ए इज इक्वल टू मैंने सी बाय थ्री क्यों किया है, सबको समझ आ गया है? वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है सी बाय थ्री। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, इसको काट 9 3 27, इट इज कमिंग आउट टू बी 19 डिग्री। ए हमारे पास आ गया। ठीक है,
to find the value find of the value of d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ई इसमें. अब आपके पास बेटा यहाँ पे आपके पास देखो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये 57 है, ये आपके पास 19 है और ये एंगल कितना डिग्री है बी एंड डी आपको दिख रहा होगा. ये जो 57 डिग्री यहाँ पे बन रहा है एवरीबडी लुक्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट खुद ही करवाऊंगी आपको. दिस इज 57 डिग्री. अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के इक्वल है, इस पूरे के, क्योंकि लाइंस पैरेलल है. और ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एक इस साइड पे एंगल एक उस साइड पे है. व्हाट इज देयर नेम? अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट. ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. रीजन लिखो अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स आप नोट डाउन करो मेरे साथ साथ में. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ही करवाऊंगी आपको और आप घर जाके एक बार दोबारा इसको रिवाइज करना. ठीक है, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो. एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. क्यों है ये? ऑल्टरनेट एंगल्स है. ठीक है, अभी मेरे को एंगल सी भी पता है 57 डिग्री है और एंगल ए भी पता है 19 डिग्री है, लेकिन एंगल बी नहीं पता. यहां से मैं एंगल बी निकाल सकती हूँ. 57 माइनस 19 डिग्री. ठीक है, बी आपके पास 57 माइनस 19 डिग्री निकल जाएगा. और उसके बाद कैन यू फाइंड आउट प्लीज कैलकुलेट 57 माइनस 19 डिग्री कितना आ रहा है? 138 डिग्री. हाउ मच? सारे कमेंट सबको करना है. ठीक है, एंगल बी आपके पास 38 डिग्री आ रहा है और आपको ये भी पता है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है. 180 डिग्री. यस, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. इसका रीजन लिखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहां से हम अभी एंगल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं. 142 ए ऑप्शन. 142. यस, ए ऑप्शन इज कमिंग. ऑप्शन ए 142. ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना है तो कर लो. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा. मैम लास्ट लाइन इज नॉट विजिबल. I'll shift it here. Angle D is equal to 142 degree. 180 minus 38. ठीक है, एक आधा स्टेप आप खुद भी ले सकते हो अगर आपको डाउट हो. एंगल डी निकालने के लिए 180 में से 38 माइनस करोगे तो 142 आ जाएगा. इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में आपको दोबारा से सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और द वैल्यू ऑफ बी 38. सेकेंड क्वेश्चन में एंगल बी निकालना है आपको. 38 तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है ना, तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और इसको मार्क कर सकते हो. सी ऑप्शन, सेकंड की सी ऑप्शन आ रही है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी जैसे हमने पहले किया था. थर्ड क्वेश्चन इज सी 75 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए इज 2/5 सी दिया हुआ है. 2/5 सी, तो पहले इसको ही हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए. 2/5 सी का क्या मतलब है? इनटू 75 डिग्री. 7th बी अजय कुमार
यस, मेरे को बताओ एंगल ए कितना आ रहा है आपका? ये यस सी इज इक्वल टू 75 दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2/5 सी दिया हुआ है। थर्टी डिग्री बेटा एंगल्स ए आपके पास आ रहा है 30 डिग्री। आप भी कैलकुलेट करो, आपका आ रहा है 30 डिग्री के नहीं? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। दिस इज 30 डिग्री। अभी दे आर आस्किंग बी की वैल्यू पूछ रहे हैं वो आपसे, तो हमने वैसे ही करना है जैसे पहला क्वेश्चन किया था। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम सारे स्टेप्स वही करने हैं बेटा, क्योंकि डायग्राम तो एक ही है आपके पास। दोबारा से हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मेजरमेंट अलग अलग है। एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू 75 थी और ए की वैल्यू प्लस एंगल बी। प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज एंगल 45। यस 45, सबको करने दो 45। यस यस, जिसका 45 45 रेज योर हैंड, जिस इसका निकल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, 45 डिग्री इज द आंसर। इसको माइनस करके वेरी गुड, आपकी ऑप्शन आ रही है कौन सी? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। यस 45 डिग्री, तो आंसर आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन। अच्छा हुआ ये थर्ड क्वेश्चन सेम आ गया, अब आपका इस बहाने रिवाइज भी हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन वन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, नया टाइप का था ये, तो थर्ड में दोबारा से हमने सारा क्वेश्चन ऐसे ही किया, अब आपको इजी लग रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अब वो पूछ रहे हैं आपसे एंगल डी। अब एंगल डी के बारे में पूछ रहे हैं, आपको पता है बी ओ डी किस टाइप के एंगल्स हैं बेटा? बहुत बार कर लिया आपने, सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यस, उनका सम क्या होगा फिर? 180। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, रीजन आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो हाउ टू डू इट, अगला स्टेप पता है सबको? अब आपकी लीनियर इक्वेशन यूज, सॉरी सिंपल इक्वेशन यूज हो रही है बार बार हर इक्वेशन में। 135, सबको करने दो 135। वेरी गुड, रेज योर हैंड जिस इसने कर लिया है 135। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड 35 135, तो आपकी सी ऑप्शन मैच करेगी। ओके प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन, अगर आप ये असाइनमेंट घर जाके रिवाइज करोगे सारे क्वेश्चन, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे कंसेप्ट, मैंने जो 10 पॉइंट आपके लिखे थे वो सारे के सारे इस असाइनमेंट में यूज हो रहे हैं। ठीक है, जब आप बार बार एंगल्स को देखोगे आपको वो कभी भी नहीं भूलेंगे कि ऑल्टरनेट कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, इंटीरियर कौन से होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री कैसे बनता है। अगर आप ये सब दोबारा अपने आप करोगे फिर तो यू विल बी परफेक्ट इन दिस, एंड आपके कोई मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बेटे, लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस इज यूज्ड टू फाइंड मेजर ऑफ डी। डी को हमने दो बार निकाला, पार्ट बी में भी, सेकेंड में भी निकाला और फोर्थ में भी निकाला, तो बी और डी के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बेटा? लाइंस आर पैरेलल सम सम ऑफ इंटीरियर ऑप्शन, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? टू एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल,
यस, तो हमारी ऑप्शन आ रही है फिफ्थ की डी ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन की हमारी ऑप्शन मैच करेगी डी। ओके नाउ सब सामने देखेंगे, एवरीबडी लुक एट द बोर्ड। मैं क्लीन करने वाली हूँ और आपसे कुछ पूछने वाली हूँ, क्योंकि आज आपका लास्ट था, इसके बाद में आपके कल हम डाटा और उसके बाद परसों फिर से मैं आपको लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जो भूलना नहीं है इनको, ठीक है? इट डजंट मीन कि कल नहीं पूछना है, कल तक तो याद रहेगा, ये नहीं कि परसों भूल जाओ उसको। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम कि कल नहीं पूछूंगी परसों पूछूंगी, ताकि आपको याद रहे, एवरी डे आपने असाइनमेंट जो है वो रिवाइज करनी है। ओके बेटे नाउ सबने नहीं करना, सिर्फ हैंड रेज करने हैं और मैं अपने आप नाम बुलाऊंगी। एंगल वन एंगल टू, ठीक है? आई वॉन्ट टू आस्क गुरलीन कौर 7G की व्हाट टाइप ऑफ एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वेर इज गुरलीन? यस मैम इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस गुड वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंगल टू हेयर एंड एंगल वन हेयर, लेट मी कॉल द नेम, सबने नहीं जवाब देना। माधव दीप सिंह, एंगल वन एंड टू कैसे एंगल्स है, नाम बताओ उनका। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? कंप्लीट नाम उसका क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिस इसको पता है रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, गो बैक। यस नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंगल वन एंड एंगल फोर, लेट मी कॉल द नेम, मानवीर सिंह 7F, एंगल वन और एंगल फाइव किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं? यस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, यस। थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली बोल रहे, यस, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है और एक बाहर है एक अंदर है। यस वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है? जो भी जवाब देने कॉन्फिडेंटली देना, आप तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है आपकी। ओके व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर वन एंड फोर, आई एम कॉलिंग द नेम सोनाक्षी 7G, सोनाक्षी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, प्लीज ध्यान से देखो इसको, आपने देखा नहीं है अभी एंगल्स, ध्यान से देखो कैसे एंगल्स बन रहे हैं। यस इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको एक और नाम भी है उसका, कौन बताएगा? अगर मैं बोल टू एंगल्स इज 180 डिग्री, और इसको क्या बोल सकते हो? सेवन दे आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वेरी गुड। आपको दोनों नाम पता होना चाहिए बेटा, एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है? ओके चलो एक और टाइप के एंगल्स, एंगल वन एंड टू, लेट मी कॉल द नेम्स, मन्नत 7D,
यस, किस टाइप के एंगल्स हैं? मन्नत आर यू प्रेजेंट? यस बोलो बोलो, यस बोलो बेटा, पहले अपना नाम बताओ, टेल योर नेम फर्स्ट। सेवन बी, यस बोलो बेटा। ओके नाउ टेल मी द एंगल्स, ये कैसे वाले एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हैं, रेज योर हैंड जो जो बोल रही है एडजेसेंट एंगल्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड, गो बैक। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? एंगल थ्री एंड फोर। हम कैन आई? यस यस, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के अलावा और क्या मैं बोल सकती हूँ इसको? एक और नाम, और कोई नाम भी है इसका जिस जिसको पता है रेज योर हैंड, लीनियर पेयर के अलावा। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन है, सब बता दो। एडजेसेंट, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। अभी किसी ने सप्लीमेंट्री भी बोला, किसने बोला? रेज योर हैंड। वेरी गुड, सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। यस किसने बताया? मैं मारू जोशी ने। यस सप्लीमेंट्री क्यों है, रीजन बता दो अभी जल्दी से। वाई मैम कैन आई? मैम इनका सम कैन आई? क्योंकि उनका सम 180 डिग्री है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसलिए वो सप्लीमेंट्री भी हैं। ओके सो हैप्पी टू हियर दीज ऑल आंसर्स, आपने आज बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। एंड डोंट फॉरगेट इट, परसों आपका टेस्ट होने वाला है इसका, लीनियर इक्वेशन इसका, लाइंस एंड एंगल्स का, बी प्रिपेयर फॉर दैट। चलो गुड बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय मैम। बोली बाय बाय, ओ ओ बांचू मैं नहीं हूं तेरे।